आज हम लोग बात करेंगे थायराइड के अद्वितीय अपघटन नियम के बारे में। इसमें जो हमारा पहला नियम है तो क्या कहता है, जब किसी विद्युत अपघट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी विद्युत अपघट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों पर आक्षेपित या अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा विलयन में क्यों कूलाम प्रवाहित करने पर या फिर विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब क्या है, माना किसी पदार्थ के विलयन में यदि हम क्यों कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित करते हैं तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा यदि वहां पर डब्ल्यू हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू क्यू, किंतु क्यू इज इक्वल टू होता है यहां पर आई इंटू टी। आई यहां पर क्या है, धारा जो कि हमारी एम्पियर में जाएगी, टी यहां पर हमारा है समय जो कि यहां पर हमारा सेकंड में जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा आई इंटू टी। तो प्रोपोर्शनल को यहां पर हमको हटाना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा जेड इंटू आई इंटू टी, जहां यहां पर हमारा है जेड विद्युत रासायनिक तुल्य। यदि Q बराबर यहाँ पर हम ले लेंगे कूलम तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा I इक्वल टू 1 एम्पीयर और T इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 सेकंड, देन यहाँ पर हो जाएगा W इक्वल टू Q। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात किसी आयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक मतलब Z वह मात्रा है जो एक कूलम आवेश के प्रवाह से अपचयित या आक्षेपित होती है। जो हमारा Z है यहाँ पर वो किसी आयन उसकी जो वैल्यू होती है 96,485 जो लगभग बराबर होती है 96,500 कूलम के। यदि हम 96,500 कूलम विद्युत आवेश की वह मात्रा है जो हमारा 1 फैराडे है, यानी 96,500 कूलम विद्युत आवेश की वह मात्रा है जो 1 ग्राम तुल्य आयनों के अपचयन आक्सीकरण करता है, अतः क्यों अतः 1 कूलम आवेश बराबर हो जाएगा अपन 96,500 ग्राम आयन यहाँ पर मुक्त करता है, देन हमारा हो जाएगा जेड इज इक्वल टू टी अपन 96,500। एक यहाँ पर रिलेशन करके आया है डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, तो जो यहाँ पर हमारा जेड की वैल्यू है इस जेड की वैल्यू को यहाँ पर हम मुक्त कर देगा, देन यहाँ पर हमारा हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू आई इंटू टी अपन 96,500, देन हमारा आ जाएगा डब्ल्यू अपान में इज इक्वल टू आई इंटू टी अपान में 96,500। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारा डब्ल्यू अपान में इज इक्वल टू हो जाएगा टू अपान में एफ।